संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता ने कहा, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमला बोला है। विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे ने बोलते हुए कहा कि सावरकर केवल महाराष्ट्र के देवता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श हैं और राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम किया है। राहुल गांधी की इस हरकत के लिए जितनी भी आलोचना की जाए कम होगी। उन्होंने कहा कि आज भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी मांगने वाला सावरकर नहीं हूँ। वो सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि राहुल गांधी को उस कानून के तहत निलंबित किया गया जो कांग्रेस ने ही बनाया था। लालू यादव और कई अन्य को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना की बल्कि पूरे ओबीसी समुदाय को बदनाम किया है। अगर वो इसी लहजे में बोलते रहे तो उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल किया कि भाजपा वाले ये कहते हैं जब भी राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जाता है तो वो माफी नहीं मांगते। ऐसे में पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं। जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। गौरतलब है मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शुक्रवार को संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। साल 2019 में कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था जिसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।